माशाल्लाह से चॉप्स हमारे रेडी हैं, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी। तो आप ज़रूर इसको बनाएं ईद पर, और आप बहुत लाइक करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। एवरीवन, कैसे आप, उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ़ एंड स्टाफ मैं आपको वेलकम। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ईद की रेसिपी। तो ये मैंने ली है चॉप्स, मटन चॉप्स। तो ये देखें, तो इनको हमने करना है नमक और रेड चिली पाउडर डाल के हम इसको बॉईल करेंगे। इनका पानी हम निकाल लिए, मैंने धो लिया हुआ है पानी, इसको मैं ड्राई कर लूँ। ये तो मैंने 4 कप पानी के लिए, इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून जो मैं है मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी इसके अंदर, 1/2 टीस्पून से भी थोड़े से 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसके साथ हम डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है हम सॉल्ट डालेंगे। और ये जो हमारे पास चॉप्स हैं, मटन चॉप्स, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 4 कप पानी के लिए, तो इसको हम पकाएंगे 80%। तो फिर उसके बाद जब ये होता है, मटन हमारा 80% होता है, फिर उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, जितना कि आपका मटन जितनी जल्दी गल जाता है आप वो चेक कर लें। तो मैं इसको हल्की आंच पे 1/2 घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए रख दूँगी। जी सॉरी, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये 1 टेबल स्पून वो भी मैं अंदर डाल दूँगी, और इसको हम ढक के रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं हमारे चॉप्स को बनते हुए, तो ये तकरीबन 80% तक गल चुका है। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। जब तक पानी ड्राई होता है, सॉरी, तो हम ये मसाले बता देते हैं। ये मैंने गरम मसाला, सॉरी, ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, गरम मसाला, सॉरी मैं अगेन आपको बता दूं, रॉन्ग हो गया। ये मैंने लिया साबुत लाल मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ये जब पानी ड्राई होता है तो हम इसके अंदर डालेंगे, हम साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम मसाले डालेंगे ना, ये पानी ड्राई हो जाएगा तो मसाले सारे एकदम से साथ चिपक जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमने मसाले नहीं डाले थे। अब हम मसाले डालेंगे जब ये पानी ड्राई होता है। तो ये तब हम हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया, तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, और इनको मिक्स करके इनको हम अच्छी तरह, इनका पानी जो बाकी थोड़ा सा रह गया वो भी ड्राई कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, माशाल्लाह से मटन हमारा कितना ज़बरदस्त गल चुका है, ये सारा हम मिक्स कर लें। तो ये थोड़ा सा पानी रह गया, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी तो ये 3 से 4 मिनट हो गए, अब हम चॉप्स को निकाल लेंगे, क्योंकि चॉप्स ने ऑयल थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये चॉप्स को निकाल के अब हम इनको फ्राई करेंगे, और चॉप्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी हैं। जी ये देखिए, जी चॉप्स हमने निकाल ली। तो अब हमने एक लिया है पैन, और पैन के अंदर हम थोड़ा सा जो है वो डालेंगे ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर जो है चूल्हे को कर देती हूँ ऑन, और हम चॉप्स को करेंगे फ्राई। सॉरी, मेरे हस्बैंड के पीछे मीटिंग चल रही है, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अब जाहिर है सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो फिर वो सारा दिन मीटिंग्स में ही होते हैं, तो फिर मुझे, मैं वेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर बाकी काम जो है ना रुक जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, एक साइड से फ्राई होता है तो हम दूसरी साइड से करेंगे। 2 मिनट इसको, 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा रेड रेड हो जाए। ये हम चॉप्स को जो है वो देखते हैं, एक साइड से अगर हो गया तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे, और इनको ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जो मटन है वो पक चुका है। तो इसकी साइड भी हम इस तरह से चेंज कर देते हैं, ये टूट रहे हैं माशाल्लाह से। अब इसको भी हम
तीन से चार मिनट हम फ्राई करेंगे। और जो स्पाइसीज हैं, मतलब रेड चिली पाउडर है या चिली फ्लेक्स है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जी। तो हमारी चॉप्स हो गई फ्राई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो इनको निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो हमारी मटन चॉप्स रेडी हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत मज़े का फ्राई हुआ है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। गोश हमारा, मीट हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिए गल चुका है। तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।